सब्सक्राइब कीजिए नंबर वन प्रॉपर्टी चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए, सेंट्रल लाइन प्रॉपर्टी वीडियो सबसे पहले देखें। हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्रल लाइन प्रॉपर्टी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को खोपोली का सबसे बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट कृष्णा वैली का इंट्रोड्यूस करने आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो एम्यूनिटीज़ एरिया कितना बड़ा है। 1 एकड़ में सिर्फ एम्यूनिटीज़ बनाया गया है, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ लग्जूरियस है। मैं आप लोगों को हर एक चीज़ पूरा डिटेल्स में दिखाऊंगा। आप लोगों को 1 BHK का एक फ्लैट भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। आप लोग वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, मैं सारे डिटेल्स शेयर करूँगा। ये 20 एकड़ का लैंड पार्सल में ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया। इसमें टोटल 20 टावर्स रहेगा। आउट ऑफ 20 टावर्स 6 टावर्स ऑलरेडी रेडी पोजिशन में है, 5 टावर्स का OC आ चुका है, पब्लिक रहने के लिए भी आ चुके हैं। इस प्रोजेक्ट का अंदर सारे मॉडर्न एम्यूनिटीज़ के साथ साथ आप लोगों को स्कूल और मार्केट एरिया भी मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो प्रोजेक्ट कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो बिल्डिंग है ये स्टील प्लस 11 का है। इसका पोजेशन इस जून में दिया जाएगा। इसमें 1 BHK एंड 2 BHK लग्जरियस फ्लैट अवेलेबल है। इसके अलावा रेडी टू मूव पोजीशन में आप लोगों को 1 RK 1 BHK एंड 2 BHK का फ्लैट बहुत ही अफोर्डेबल बजट में मिल जाएगा। चलिए एम्यूनिटीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्लब हाउस का सामने का गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है, और ये क्लब हाउस का एंट्रेंस गेट है। एम्यूनिटीज़ का बात किया जाए तो इस प्रोजेक्ट में ऑल मॉडर्न इंडोर एंड आउटडोर एम्यूनिटीज़ अवेलेबल है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का अंदर CBSE बोर्ड का स्कूल और कमर्शियल्स एरिया भी अवेलेबल रहेगा। प्रोजेक्ट लोकेशन का बात किया जाए तो खोपोली रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर डिस्टेंस में है। इसके अलावा मार्केट, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स विद इन 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस में अवेलेबल है। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बड़ा जिमनेजियम है, सब इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, ब्रांडेड क्वालिटी का मशीन्स वगैरह यूज़ किया गया। ये G+1 का क्लब हाउस है। चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर का एम्यूनिटीज़ वगैरह पहले देख लेते हैं, उसके बाद नीचे का देखेंगे। ये देख सकते हो यहाँ पर वॉशरूम्स है और उस तरफ बैंकेट हॉल है, वो बाद में देखेंगे। नीचे भी अवेलेबल है, ऊपर भी है, और यहाँ पर ये लाइब्रेरी है। ये देख सकते हो काफ़ी लार्ज स्पेस का लाइब्रेरी यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हो ये इंडोर स्पोर्ट्स वगैरह है। यहाँ पर देखिए कैरम, टेबल टेनिस वगैरह सब आप लोगों को इस प्रोजेक्ट का अंदर मिल जाएगा, और आप लोग अभी भी यूज़ कर सकते हो। सारे चीज़ यूज्ड में है क्योंकि लोग यहाँ पर रहने के लिए भी आ चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हो ये बैंकेट हॉल है, नीचे भी इतना बड़ा एक हॉल है, और व्यू काफ़ी अमेजिंग है। ये देख सकते हो स्विमिंग पूल का व्यू और माउंटेन व्यू देखने के लिए मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत है। हम अभी ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं। यहाँ पर भी वॉशरूम्स अवेलेबल है, चेंजिंग रूम अवेलेबल है। इसके अलावा सामने कम्युनिटी हॉल और किचन से अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, और इसके अलावा यहाँ पर गजीबो, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, गार्डन, एमपी थिएटर, जॉगिंग ट्रैक, सारे चीज़ अवेलेबल है। और सबसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव चीज़ है यहाँ का ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी। आप लोग देख सकते हो ये कुछ दिन पहले का बारिश के टाइम का फुटेज है। आप लोग देखिए यहाँ पर हिल व्यू, ग्रीनरी और वाटरफॉल देखने के लिए मिलता है। बहुत सारा वाटरफॉल प्रोजेक्ट को लगकर है, और प्रोजेक्ट बनने के बाद ऐसे ही दिखेगा। 20 एकर्स का ये टाउनशिप प्रोजेक्ट है। नाइट व्यू देख लीजिए, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बाजू में एक नदी भी है, उसका भी व्यू देखने के लिए मिलता है। और हम अभी एंट्री ले रहे हैं Phase 2 का, जो बिल्डिंग बन के रेडी हो चुका है। इसका पोजिशन अभी जून जुलाई तक दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो स्टील प्लस 11 का ये बिल्डिंग है। सफिशियंट पार्किंग स्पेस है, नीचे स्टील पार्किंग है, बाजू में भी पार्किंग अवेलेबल है, और ये एंट्रेंस लॉबी है। ये देखिए लग्जूरियस एंट्रेंस लॉबी है। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी शानदार काम किया गया अंदर। इस साइड में सोफा रखा जाएगा बैठने के लिए, सीट आउट एरिया, और यहाँ पर 2 लिफ्ट है और सामने एक सर्विस लिफ्ट है। मतलब इस बिल्डिंग में 3 लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस अवेलेबल मिल जाएगा। और ये रहा स्टेयरकेस, यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी लार्ज स्पेस का स्टेयरकेस है। और हम अभी पहुँच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पर देखिए ये पैसेज एरिया है, काफ़ी कंफर्टेबल साइज़ का है। और ये देख सकते हो 1 BHK के फ्लैट का अंदर एंट्री ले चुके हैं। इसका एरिया है 569 स्क्वायर फीट का। प्राइस वगैरह वीडियो का एंड पर बता देंगे। और यहाँ पर देखिए ये लिविंग एरिया है, काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है ये। ये देख सकते हो लिविंग का स्पेस भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वाइड है, और यहाँ पर एक लग्जरी विंडो के साथ बड़ा सा बल्कनी मिल रहा है। ये देखिए लगभग 4 फीट का बल्कनी है ये।
और व्यू का बात किया जाए तो हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे है। अगर आप टॉप फ्लोर पे जाएंगे तो अमेजिंग व्यू देखने के लिए मिल जाएगा, माउंटेन व्यू, हिल व्यू और वाटरफॉल वाला व्यू भी देखने के लिए मिल जाएगा इस वाला बिल्डिंग से। और ये है किचन, ये देख सकते हो ओपन किचन है, किचन मॉड्यूलर है, यहाँ पर देख सकते हो सिंगल प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका ऑपोजिट में एक और प्लेटफॉर्म है जो आप यूज़ कर सकते हो, फोल्ड टाइल्स किया गया है, ये देख सकते हो, मैं इसका बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी एक प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए मिलता है और यहाँ पर भी आप लोगों को ड्राई एरिया मिल रहा है, आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हो, पावर बोर्ड और वाटर आउटलेट अवेलेबल है। चलिए आगे चलते हैं और बेडरूम और वॉशरूम दिखा देते हैं। ये देख सकते हो सेपरेट वॉशरूम है, ये देखिए फोल्ड टाइल्स किया गया है और स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। ये बाथरूम है, वेंटिलेशन अवेलेबल है, आप चाहे तो एग्जॉस्ट भी लगा सकते हो। ब्रांडेड क्वालिटी का फिटिंग्स यूज़ किया गया, यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा वॉश बेसिन है और ये टॉयलेट है। टॉयलेट में वेस्टर्न इंग्लिश सीट यूज़ करने के लिए मिल रहा है, अगेन फोल्ड टाइल्स विद वेंटिलेशन और ब्रांडेड क्वालिटी का ऑल फिटिंग्स यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। और देख लेते हैं बेडरूम, ये देख सकते हो हम अभी बेडरूम पे एंट्री ले चुके हैं और बेडरूम का स्पेस देखिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बेड भी रखा हुआ है, आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो जाएगा। देखिए बहुत साइड में स्पेस अवेलेबल है और यहाँ पर भी लग्जरी विंडो के साथ एक नॉर्मल साइज़ का 2 फीट का बालकनी मिलता है, ये देख सकते हो। ये सामने का गेट है, हम अभी फेज़ 2 में हैं। ये जो बिल्डिंग है ये पूरा प्रोजेक्ट फेज़ वाइज डेवलप किया जा रहा है। फेज़ 1 का OC भी आ चुका है और ये फेज़ 2 है, इसका भी OC आ जाएगा, इसका भी पोजीशन का टाइम हो चुका है। फ्लैट कॉस्ट का बात किया जाए तो 21,50,000 से स्टार्टिंग है 1 BHK का फ्लैट और 24 लाख तक अवेलेबल है। आप लोग स्क्रीन पर दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके विजिट करने के लिए आ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।